I'm your educator Pooja from ILC. Today we are going to cover couples of topics from sociology. And the topics are, first is definition of class, second is definition of Varna, third is origin of Varna system, and last one is purpose of Varna system. So let's start with definition of class. A social class is a group of people of similar status, commonly sharing comparable levels of power and wealth. In sociology, social class describes one form of social stratification. This movement is possible because social classes are not based on birth, but on factors such as education and professional success. सामाजिक वर्ग क्या है? यह एक ऐसी समान स्थिति के लोगों का समूह होता है जो क्या करते हैं जनरली अपनी शक्तियों और धन के कंपैरेबल या लेवल को या स्तर को साझा करते हैं या कह सकते हैं कि शेयर करते हैं। सोशियोलॉजी में क्या होता है, जो सोशल क्लास होती है ये या सोशल स्टार्टिफिकेशन या सामाजिक स्तरीकरण के एक रूप में वर्णन करता है। सोशियोलॉजी क्या होता है कि जो सोशियोलॉजी है ये क्लास को एक सोशल स्टार्टिफिकेशन या सामाजिक स्तरीकरण के रूप में वर्णित करता है या बताता है। यह मूवमेंट इसलिए होता है क्योंकि सामाजिक वर्ग जो होता है वो जन्म पर नहीं बल्कि एजुकेशन और प्रोफेशनल सक्सेस या व्यावसायिक सफलता जैसे कारकों पर आधारित होता है। मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अपनी क्लास बाय बर्थ नहीं बल्कि अपनी हायर एजुकेशन और प्रोफेशन के बेसिस पर उच्च या निम्न बना सकता है। कहने का मतलब ये है कि वर्ग सामाजिक वर्ग जाति के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर बनता है। अकॉर्डिंग टू मैकाइवर एंड पेज, अ सोशल क्लास इज पोर्शन ऑफ कम्युनिटी मार्क्ड ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सोशल स्टेटस। मैकाइवर और पेज डिफाइन करते हुए कहते हैं क्लास को कि यह एक सामाजिक वर्ग समुदाय का एक हिस्सा होता है जो शेष सामाजिक स्तर से अलग चिन्हित है। According to Ogburn and Nimkov, a social class is the aggregate of person having essentially the same social status in a given society. Ogburn and Nimkov इसको define करते हुए कहते हैं कि एक सामाजिक वर्ग लोगों का एक योग होता है जो एक निर्धारित समाज में आवश्यक रूप से एक जैसा सामाजिक स्तर रखता है। Definition of Varna. Varna system is the social stratification based on the Varna caste. For basic categories are defined under this system: Brahmins, priests, teachers, and intellectuals; Kshatriya, warriors, king, and administrations; Vaishya, Vaishyas, traders, farmers, and Shudras, worker, labor, and artisan. वर्ण क्या होता है, वर्ण प्रणाली क्या है? ये वर्ण व्यवस्था पर आधारित एक सामाजिक स्तरीकरण या सोशल स्टार्टिफिकेशन है। जाति के आधार पर इस प्रणाली के अंतर्गत चार मूल श्रेणियों को डिफाइन किया गया है, जिसमें पहला है आपका ब्राह्मण, जिसे एक पुजारी या शिक्षक के रूप में जाना जाता है। सेकेंड है आपका क्षत्रिय या एक योद्धा, राजा या शासक के रूप में होते हैं। थर्ड होता है वैश्य या एक व्यापारी या किसान के रूप में जाने जाते हैं। और लास्ट होता है शूद्र, यह क्या करता है, एक श्रमिक के रूप में काम करता है, एक मजदूर के रूप में काम करता है या फिर क्या करता है, एक सेवक के रूप में ये काम करता है। द टर्म वर्णा लिटरली मीन्स कलर। द वर्ड वर्णा इज इवॉल्व फ्रॉम द संस्कृत रूट फ्र मीनिंग च्वाइस। इन दिस सेंस वर्णा मीन्स एनी थिंग चूजन बाय एन इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू हिज च्वाइस। अब ये जो शब्द है वर्ण शब्द जो है इसका क्या अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है रंग। ये जो वर्ण शब्द है यह संस्कृत की व्रा से ड्राइव्ड हुआ है या विकसित हुआ है, जिसका अर्थ होता है विकल्प या च्वाइस। इस रूप में वर्ण का अर्थ होता है कोई चीज़ जो एक व्यक्ति द्वारा अपने च्वाइस के अनुसार चुनी गई हो। ओरिजिन ऑफ वर्णा। द फर्स्ट मेंशन ऑफ द वर्णा सिस्टम वॉज फाउंड इन पुरुषम सूक्तम वर्स ऑफ द वर्सेज ऑफ एंशियंट संस्कृत ऋग्वेदा।
वर्ण व्यवस्था का सबसे पहले जो उल्लेख हुआ था वो संस्कृत के प्राचीन में ऋग्वेद के पुरुष सूक्त श्लोक में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि चार वर्णों के समावेश से पुरुष सूक्त को सबसे पहले गठित किया गया था या बनाया गया था। पुरुष इज बिलीव टू बी द फर्स्ट बीइंग कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फोर वर्णास। जो पुरुष सूक्त है ये इसका वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया है कि जो चारों वर्ण अस्तित्व में आदि पुरुष के शरीर से आए हैं। ब्राह्मण्स रिप्रेजेंट इट्स माउथ, ये जो आदि पुरुष हैं, क्योंकि इसमें बताया गया है कि जो चार वर्ण हैं जो अस्तित्व में आए हैं वो पुरुष आदि पुरुष के शरीर से आए, तो इसमें जो पहला है ब्राह्मण्स रिप्रेजेंट इट्स माउथ, मतलब क्या है कि जो आदि पुरुष हैं उनके मुँह से ब्राह्मण निर्गत हुए या निकले जो पुजारी और विद्वान बने। सेकेंड इट्स आर्म्स, उनकी भुजाओं से छत्र निकले जो सैनिक बने शासक बने। थर्ड वैश्यास इट्स हाइस थाइस, जांघों से वैश्य निकले। शुद्रास इज फीट, और उनके पैरों से शूद्र निकले यानी कि सेवा करने वाले निकले। द सोसाइटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू फॉलो द वर्णा रूल्स इन ऑर्डर टू सस्टेन प्रॉस्पर्टी एंड ऑर्डर, मतलब इसका मतलब ये है कि वर्ण व्यवस्था का पालन करने के लिए समाज का गठन किया जाता है ताकि किसी सोसाइटी की प्रॉस्पेरिटी और ऑर्डर यानी कि मतलब जो क्या है उसकी समृद्धि और जो व्यवस्था किसी भी सोसाइटी की समृद्धि और व्यवस्था क्या है वो बनी रहे। पर्पस ऑफ वर्णा सिस्टम, द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिएटिंग अ वर्णा सिस्टम इन इंडिया वॉज द डिविजन ऑफ लेबर, एग्जाम्पल ब्राह्मण्स टू टीच, क्षत्रिय टू गवर्न, वैश्यास टू डू बिजनेस एंड शुद्रास टू परफॉर्म फिजिकल लेबर एंड टू प्रोवाइड सर्विसेज टू अपर वर्णा। इसका मीनिंग ये है कि भारत में जो वर्ण प्रथा बनाने का जो उद्देश्य था वो क्या था, श्रम का विभाजन था, अर्थात जो ब्राह्मण हैं उनका काम अध्यापन के लिए था, क्षत्रियों का कार्य शासन करने के लिए था, वैश्यों का कार्य व्यवसाय करने के लिए, और शूद्र शारीरिक श्रम करने के लिए, और इन तीनों उच्च वर्णों को सेवा प्रदान करने के लिए थे। डिफरेंस बिटवीन वर्णा एंड कास्ट, फर्स्ट इज वर्णा इज असाइंड अकॉर्डिंग टू वन्स कैपेबिलिटीज ऑफ एक्शन एंड मेंटल टेंडेंसीज, वेयर इज कास्ट इज एक्वायर्ड बाय बर्थ। इसका पर्पस क्या था, इसका जो वर्णा और कास्ट का जो डिफरेंस क्या है वो ये है कि वर्ण किसी की कार्य क्षमता और मानसिक प्रवृत्तियों के अनुसार नियुक्त होता है, जबकि जो जाति क्या होती है वो जन्म सर्जित होती है। नेक्स्ट वन इज वर्णा सिस्टम इज फ्लेक्सिबल वाइल्ड कास्ट सिस्टम इज रिजिड, वर्णा प्रथा क्या है वो नमनीय है यानी कि लचीली है, जबकि जाति प्रथा क्या है वो रिजिड है यानी कि कठोर है। थर्ड वन इज वर्णास आर फोर इन नंबर बट कास्ट आर मेनी, वर्ण क्या है वर्ण संख्या में केवल चार ही होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, लेकिन जातियां क्या हैं, जातियां तो बहुत होती हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इन वर्णा सिस्टम देयर वर नो रिस्ट्रिक्शंस एज रिगार्ड पर्टिकुलर ऑक्यूपेशंस फॉर पर्सन बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर वर्णा, बट इन कास्ट सिस्टम ऑक्यूपेशंस हैव बीन फिक्स्ड टू पर्टिकुलर कास्ट। वर्ण प्रथा में क्या होता है कि किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों के लिए कोई भी विशिष्ट व्यवसाय नहीं होता है, यानी कि जरूरी नहीं होता है कि पर्टिकुलर कोई विशिष्ट वर्ग है उसके व्यक्ति हैं उनके लिए कोई विशिष्ट व्यवसाय हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। लेकिन जाति प्रथा में क्या होता है कि व्यवसाय विशिष्ट जातियों के लिए निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट वन इज वर्णा सिस्टम ऑफ इज ऑफ एंशियंट टाइम वाइल्ड कास्ट सिस्टम इज ऑफ मॉडर्न पीरियड, जो वर्णा प्रथा क्या है प्राचीन काल की है, जबकि जाति प्रथा क्या है आधुनिक काल की है। लास्ट वन इज वर्णा रिफर्स टू रेशियल डिफरेंसेस बट कास्ट इंडिकेट द बर्थ एंड डिसेंट, वर्ण प्रजातीय विभिन्नताओं को संदर्भित करता है लेकिन जाति क्या करती है वो वंश परंपरा और जन्म को इंगित करती है। नाउ फिनिश योर टॉपिक, थैंक यू।